मैं पिंटू शर्मा वार्ड 88 वार्ड से डॉक्टर रोनाक्षी जी का फादर हूँ। आदेश गुप्ता जी के वार्ड से ही, आदेश गुप्ता जी की सीट थी पहले ये पटेल नगर, अब उन्हीं को मेरी बेटी ने 3800 वोट से हराया है। तो चंदोलिया जी का फ़ोन आता है, योगेंद्र चंदोलिया जी के, सुभाष जी के पास, के पिंटू शर्मा जी से बात कराओ उनको। उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, बोले हाँ। मैंने कहा ये कह रहे योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश जी बात करेंगे। मैंने कहा बात कराओ। बोले यार भाई ये जो है ना, अब हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है और आप किसी भी तरीके से करके हमारे साथ लग के और इनको इकट्ठा कराओ। मैंने कहा यार ये कैसे संभव है। बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो, फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़ और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आदेश गुप्ता जी आपने ना गलत कॉल की है, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया उनका।